यूपी के गोंडा जनपद से जहां चैंपियन बेटी सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। जी हां, खबर यूपी के गोंडा जनपद की इटिया थोक से जहां शिक्षा क्षेत्र की जहां प्राथमिक विद्यालय भीकमपुरवा में और अनियंत्रित चार बालिकाओं को विद्यालय में आयोजित समारोह में सांसद गोंडा कीर्ति वर्धन सिंह राजा भैया व SP गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने सम्मानित किया। इस अवसर पर SP गोंडा ने बालिकाओं की प्रतिभा को देखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके अभिभावकों व शिक्षा दे रहे अध्यापकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, उसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया, उसके बाद चारों बालिकाओं को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली बालिकाओं में अंशिका मिश्रा, काजल, बबली शु व सुप्रिया रहीम। सांसद गोंडा व SP गोंडा ने भीकमपुरवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज मिश्रा व सहायक अध्यापक जगत राम व शिक्षा मित्र मुनिषा वर्मा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति व भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी। आभार प्रकट करता हूं और आपका हार्दिक ये इसके बाद ही एक प्रस्तुत करना चाह रही हूं उनको। मीडिया के साथी हैं भाई राजेश तिवारी जी हैं जो भारत ये छोटा सा विद्यालय परिसर आज बहुत बड़ा होता था अपने लोकसभा क्षेत्र गोंडा। आइए आप चलें, मैं अब चाहूंगा सर बच्ची आ जाए। हाँ भाई साहब, ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है और एक कौन सा विद्यालय, कौन सा कार्यक्रम यहाँ पे संचालित हो रहा था? मेरा नाम मनोज मिश्रा है और मैं प्राथमिक विद्यालय भीकमपुरवा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ चार छात्राओं जो कि चैंपियन छात्राएं हैं उनका आज सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें तीन छात्राओं को आज नए सिरे से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब मिला है और एक छात्रा पहले ही रिकॉर्ड को हासिल कर चुकी है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद गोंडा कीर्ति वर्धन सिंह जी और पुलिस कप्तान गोंडा पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे जी मौजूद हैं। चारों बालिकाओं का क्या नाम है जो अभी ये सम्मानित हुई मंच से? सुप्रिया वर्मा जो कि कक्षा 5 की छात्रा है, मयूरासन करती है, दूसरी छात्रा काजल है जो कि कुछ आसन करती है।